अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ कोकोनट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये केक बहुत ही ज्यादा मजे का होता है, आपने भी इस केक को एक बार तो लाजमी खाया होगा। आज मैं आप सबके साथ कोकोनट केक की फुल डिटेल में रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम ये केक विदाउट ओवन बनाएंगे, सो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की और बहुत सारी न्यू और मजे की रेसिपीज देखने के लिए। चलें केक बनाना स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए ये मैंने 3 अंडे लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं। जब भी आपने बेकिंग करनी हो तो अंडे आपने हमेशा रूम टेम्परेचर पर यूज करने होते हैं। अगर आपके अंडे फ्रिज में पड़े हैं तो आपने आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल कर रखना है। अंडों को मैंने थोड़ा सा बीट कर लिया है। अब मैं इसमें 125 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल दूंगी। ये नॉर्मल चीनी है जो हम घर में यूज करते हैं, उसको मैंने ग्राइंड करके यूज किया है। चीनी और अंडों को हमने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक बीट करना है कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाए। आप भी बिल्कुल परफेक्ट केक बनाना चाहते हैं तो आपने जो मेजरमेंट है वो ग्राम्स में करनी है, तभी आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अंडों को और शुगर को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, ये वॉल्यूम में भी डबल हो गया है। अब मैं इसमें 125 ग्राम कुकिंग ऑयल डालूंगी। ऑयल आपने वो यूज़ करना है जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस डाल दूंगी। अगर आपके पास वनीला एसेंस अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके जगह पर आप फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इसको हमने इतना ही बीट करना है कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। अब बीटर को मैं साइड में रख दूंगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी। बेकिंग पाउडर आपने छान कर यूज़ करना है। अब मैं इसमें 125 ग्राम मैदा डालूंगी। 1/2 मैदा मैंने इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से हमने कोट करना है। सेम ही डायरेक्शन में हमने इसको कोट करना है। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ हमने इसको मिक्स करना है कि ये जो हमने अंडे के साथ ये फोम रेडी की है ये बिल्कुल बैठनी नहीं चाहिए। ये मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी ये मैंने एक मोल्ड लिया है जिसको मैंने पेपर से कवर कर लिया है। अब ये सारा केक बैटर मैंने इसमें डाल दिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से टैप टैप कर लिया है कि इसमें जो भी एयर बबल्स हों वो सारे निकल जाएं। पतीले को मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। पतीला आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। दिमाग पर आपने इसको बेक करना है। 50 मिनट में आपका केक जो है वो अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। चलें तब तक हम इसके लिए शुगर सिरप रेडी करते हैं। ये मैंने 3/4 कप शुगर ली है। अब मैंने इसमें 3/4 कप ही पानी डाला है। इसको हमने इतना पकाना है कि शुगर इसमें अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए। इसका हमने एक तार या दो तार का शीरा नहीं बनाना होता। शुगर अच्छी तरह से डिजॉल्व इसमें हो गई है। अब मैं इसको साइड में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। 50 से 60 मिनट्स हो गए हैं, हमारा केक जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो गया है। ये आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। पतीला मेरा छोटा है तो इस वजह से केक पर अच्छा सा कलर आया है। स्टिक भी बिल्कुल क्लीन निकल आई है। अब मैं इस केक को निकाल दूंगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की और बहुत सारी न्यू और मज़े की रेसिपीज देखने के लिए। केक इस वक्त बिल्कुल गर्म है, बटर पेपर मैंने इसका रिमूव कर लिया है। ये आप देख सकते हैं केक कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसको कट कर रही हूँ, तो हमने स्लाइस में कट करना है। इसको आप एज अ टी केक भी सर्व कर सकते हैं। अब इस एक स्लाइस से मैं इसके 2 स्लाइस बना दूंगी। मैंने सारे केक को कट कर लिया है, इससे ये केक जो है वो जल्दी से रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं केक हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। ये अभी भी कितना सॉफ्ट है, ये आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। ये हमारा शुगर सिरप जो कि रूम टेम्परेचर पर आ गया है। ये मैंने ड्राई कोकोनट लिया है। केक को हमने सबसे पहले शुगर सिरप में अच्छे से कोट करना है, फिर हम इसको ड्राई कोकोनट में कोट करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सारे केक को कोट कर लिया है। हमारा कोकोनट केक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये इसका फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।